मास गेनर के डब्बे खरीद, यश 30 कोड लगा, किसी भी प्राइमरी स्कूल में जा और किसी एक लड़के को 2 महीने में वो खत्म करा दे। यू हैव द राइट कॉम्पिटिशन देयर ब्रो। वट एवर द वे यू वॉन्ट टू सेटल इट, आई एम रेडी। हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपक चौहान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग एम्पायर। तो चलिए बात करते हैं यश शर्मा और सिंगा भाई के बीच में जो राइवलरी है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं राइवलरी शुरू कहां से हुई। तो कुछ मंथ पहले जो इंडिया के मेजर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो ऋषिकेश की एक ट्रिप पे गए थे, उसमें साकेत, यश आनंद, यश शर्मा, सिद्धांत और सिंगा भाई सभी थे और वहां इनके बीच एक फ्रेंडली आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन भी हुआ। तो यश शर्मा ने वहां सिंगा भाई को हरा दिया। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं। सिंगा भाई हार गए, बट देखे तो ये एक फ्रेंडली मैच था और सिंगा भाई थोड़े डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में भी थे। तो गाइस, ये पहली बार इनके बीच कोई चैलेंज नहीं हुआ। अगर आप इन लीजेंड्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा इनके बीच ऐसे बहुत से चैलेंज हो चुके हैं, जैसे पुशअप चैलेंज, पुलअप चैलेंज, मिलिट्री टेस्ट चैलेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस बार ऐसा क्या हुआ जो इनके बीच ऐसा हुआ? तो बात यह है कि इस बार सिंगा भाई अपने बेस्ट पे नहीं थे और हार गए, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि अपने 100% देके कोई हारता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बार ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना शुरू किया। 3 दिन पहले यश शर्मा ने एक पोस्ट शेयर कर दिया और कैप्शन किया कि अपोलो भाई ये भूल गया क्या? तो सिंगा भाई ने भी कमेंट किया, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट ओल्ड गाय। फिर सिंगा भाई ने भी एक पोस्ट शेयर की और कैप्शन किया, वेयर इज दैट ओल्ड अल्फा गाय, इन्फॉर्म हिम सिंगा इज ऑन द रोड सो ही इज बेटर क्वाइट एंड स्टे होम। तो यश शर्मा ने रिप्लाई किया, दिस बाइक वोंट बी एबल टू ड्राइव टू हॉस्पिटल। तो इसी के नीचे यश शर्मा के एक फैन ने इन अप्रोप्रिएट कमेंट भी किया जो कि अभी उस पोस्ट पे नहीं है, शायद डिलीट कर दिया गया है। फिर बात इतनी बड़ी कि सिंगा भाई ने कुछ स्टोरीज डाली। सो आई थिंक अभी सबको पता है कि मेरे और यश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यश शर्मा ऑब्वियसली मैं कोई सोर लूजर नहीं हूँ, बट उसने वो जो आर्म रेसलिंग वाली चीज़ डाली, एंड अगर कोई आर्म रेसलिंग की नॉलेज रखता है दे नो कि वो फेवरेबल पोजिशन में था। He used his body, I was like straight. Obviously वो जीत गया ठीक है, but like पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, बट मेरे को नहीं लगा था कि सोशल मीडिया पर आएगी। मैं चाहता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ पर्सनल लाइफ में भी, और सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम, बट थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, और अगर उसको जैसे लाइक इफ ही सींग दस, हाउ एवर द वे यू वॉन्ट टू सेटल इट, let's settle it. If you want to talk to me, talk to me. And if you want to do something else, I'm fine. I'm not backing down. Whatever the way you want to settle it, I'm ready. I'm waiting. Yeah. Stories का यश शर्मा की तरफ से जो reply आया वो देखने लायक है। This is how a normal t-shirt looks like. This is how it looks after 90 minutes of football. Bro, you're challenging the wrong guy. There's no competition. तो challenge करना है ना। 6 मास गेनर के डब्बे खरीद, यश 30 कोड लगा, किसी भी प्राइमरी स्कूल में जा और किसी एक लड़के को 2 महीने में वो खत्म करा दे। You have the right competition there, bro. तो ये कुछ यश शर्मा की तरफ से ज्यादा ही हो गया। इसका रिप्लाई में सिंगा भाई का रिप्लाई आया, उसको भी देख लीजिए। What's up, old guy? I'm going to beat you in strength, aesthetics, and endurance really soon. Just wait. इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि सिंगा भाई ने फिर से यश को चैलेंज कर दिया है, बट आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी? बट तो गाइज, आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी दोस्ती इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं बिखर सकती? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है या फिर अंदर ही अंदर कोई दूसरा बड़ा पंगा है? आई डोंट नो, सब कुछ आपके सामने है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।